गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। भावानगर थाने का एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, किन्नौर जिला की बड़ी मुश्किलें। हमीरपुर में नहीं थम रहे कोरोना के कदम, अब सीआरपीएफ का जवान पॉजिटिव। करसोग में तूफान का तांडव, पेड़ गिरे, घर की छतें उड़ी, सेब की फसल बर्बाद। सराज के बक्सयार्ड में तूफान ने तबाह कर दी सेब की फसल, मौसम का रौद्र रूप देख लोग सहमे। तूफान में ढेर हो गया नगरोटा सूर्या स्कूल के भीतर बना संस्कृति कला मंच का भवन, एक साल पहले हुआ था निर्माण। अब समाचार विस्तार से। किन्नौर जिला के भावानगर पुलिस थाने का एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तीन पुलिसकर्मी संक्रमित पाए जाने के बाद 27 जून को भावानगर से 45 लोगों के सैंपल आईजीएमसी जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें 39 पुलिस और 6 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के सैंपल थे। इनमें रविवार आधी रात आई रिपोर्ट में एक कांस्टेबल पॉजिटिव पाया गया। इस तरह जिला में संक्रमितों की संख्या 8 हो गई है। इनमें से 3 लोग रिकवर हुए, 5 का रिकांगपी कोविड केयर सेंटर में इलाज चल रहा है। उधर डीसी गोपालचंद ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जिस मकान में कांस्टेबल रहता था वहां सभी लोगों के सैंपल लेकर सोमवार जांच के लिए आईजीएमसी भेजे जाएंगे। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं रमन शर्मा भावानगर से आप सबके समक्ष कोरोना अपडेट को लेकर के हाजिर हुआ हूं। जिला किन्नौर के भावानगर में एक और पुलिस जवान कोरोना संक्रमित पाया गया है। संक्रमित जवान की उम्र 34 वर्ष है तथा यह पहले से संक्रमित हुए 3 पुलिस जवानों का प्राथमिक संपर्क में था। बताया जा रहा है कि यह जवान 24 जून को शिमला के जुंगा भी गया था तथा निर्माण क्षेत्र अपने घर जाकर अपने परिवार से भी मिला था। बहरहाल एक और जवान के संक्रमित पाए जाने के बाद लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। भावानगर थाने में 3 संक्रमित जवानों के पाए जाने के बाद भावानगर थाने के स्टाफ सहित अन्य लोगों के 45 सैंपल आईजीएमसी शिमला में जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 44 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल संक्रमित जवान को रिकांगपियो स्थित कोविड केयर सेंटर सराय भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। हमीरपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सीआरपीएफ का एक जवान पॉजिटिव मिला है। ये जवान गुरुग्राम से ऊना आया था, इसके बाद अपने रिश्तेदार के साथ घर भोरंज के पांडवी में पहुंचा था। प्रशासन ने 48 साल के इस जवान को होम क्वारंटीन कर सैंपल लिए थे। रविवार आधी रात को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया जा रहा है कि अब उस रिश्तेदार के सैंपल लिए जाएंगे जो जवान को घर छोड़ने आया था। मंडी जिला के करसोग क्षेत्र में रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर तूफान क्षेत्रवासियों को देखने के लिए मिला। इस दौरान कई घरों की छतें उड़ गई, सेब के बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है। बागवान ग्रामीण मिलाप चंद ने बताया कि उनके बगीचे में सेब की तैयार फसल झड़ गई। वहीं गांव लोटला के पूर्णचंद के मकान पर भी भारी भरकम पेड़ आ गिरा। इसमें परिवार की जान तो बच गई परंतु मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। नायब तहसीलदार सार्थक शर्मा ने बताया कि सरहान गवालपुर आदि क्षेत्रों में सेब के बगीचों को नुकसान हुआ है। वहीं बेलरदार में खूब राजकीय गौशाला तूफान वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। उधर सनारली चौक में विशालकाय पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंद भारद्वाज के अनुसार भारी मशक्कत के बाद सनारली सड़क मार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया है। मंडी जिला में सराज विधानसभा क्षेत्र के बक्सयार्ड में तूफान ने खूब तांडव किया। आधी रात आए इस आंधी तूफान ने क्षेत्र में सेब की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इससे बागवानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी गईं। तूफान और बारिश से कई पेड़ों के गिरने से भी लोगों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं मौसम का ऐसा रौद्र रूप देख लोग काफी सहमे नजर आए। नगरोटा सूर्या स्कूल के भीतर एक साल पहले बना संस्कृति कला मंच का भवन बारिश और तूफान में ताश के पत्तों की तरह गिर गया। विधायक अर्जुन सिंह ने इस कला मंच के लिए 2.5 लाख रुपए विधायक निधि से दिए थे। अब इसके निर्माण कार्य पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। स्थानीय लोग इसके निर्माण कार्य में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। उधर भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कहा है कि हवा से भवन गिर जाना बहुत हैरानी की बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो कला मंच बनाया है मेरा लगभग 2.5 लाख रुपए का ये गिर गया है। इसमें किसने कितने कितने पैसे खाए हैं इसकी जांच होनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि जो हम अपने घर बनाते हैं या अपना कोई निर्माण करते हैं तो वो क्यों नहीं दिखता, वो क्यों नहीं खराब होता। और जो सरकारी काम है, चाहे वो सरकारी कोई भी
5-6 महीने के बाद खराब हो जाती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, वही हाल इस ये जो कला मंच है इसका है, ये आपके सामने ही है। और ये इसका ना कोई आधार है ना, ये जो स्टेज बनाई गई है उसमें भी थोड़ा रेत ही लगा हुआ है, इसमें कुछ सीमेंट का तो काम ही नहीं। और हमारे घर सुरक्षित और जो सरकारी बिल्डिंग है वो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री इतना पैसा दे रहे हैं लेकिन आगे इतना दुरुपयोग है कोई हिसाब।